Hello, my dear students, good afternoon. Welcome to RS Study Point के YouTube channel में. देखते हैं आज हम class 9 बहुपद के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे. गुणनखंड यानी factor. तो देखिए कोई बहुपद दिया होगा. बहुपद क्या होगा? देखते हैं किस तरह का बहुपद होगा. बहुपद दिया होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. x स्क्वायर 5x प्लस 6 दिया हुआ है. अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं यानी फैक्टर करने हैं. तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ कितनी संख्या है. 6 के ऐसे गुणनखंड करो यानी प्लस चिन्ह है, जोड़कर 5 आना चाहिए. यदि हम माइनस होता तो घटाकर 5 आना चाहिए. तो 6 के गुणनखंड हो गए आपके 2 × 3, 2 दिया 6 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5. therefore x square 2 plus 3 x plus 6 इसका अंदर गुणा और प्लस भी अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2x 3x plus 6 देखो यहाँ से यानी दो भागों में से अलग कर लिया है. अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला है? x, x plus 2, यहाँ से मिला 3, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, ये वाला ब्रैकेट सेम होगा, x plus 2, बचा x plus 3, यही हमारा गुणनखंड हो गया. नेक्स्ट है, यदि इसी तरह का एक और क्वेश्चन माइनस वाला लेते हैं, 8x माइनस 9, x स्क्वायर 8x माइनस 9. अब लॉ के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिन्हें माइनस करके 8 आना चाहिए. तो 9 एकम 9 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा. अब यहाँ लिख दीजिएगा इसीलिए therefore 9 माइनस 1 x माइनस 9 इसका अंदर गुणा कर दो 9x माइनस x माइनस यहाँ से कॉमन मिला है आपको x x प्लस 9 यहाँ से माइनस मिलेगा माइनस 1 कॉमन ले लिया x माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं. तो देखिए x प्लस 9 ये हो गया x माइनस 1 ये सिंपल है ना. इसी तरह कितने भी कोई कैसा भी बड़े से बड़ा गुणनखंड है आप उसके गुणनखंड कर सकते हैं. यदि आप कहेंगे यहाँ संख्या होती तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे? इसी में डाल दिया. आगे क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है. यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर अवश्य कर देना. नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब क्या करते हैं? जब यहाँ संख्या कोई दी होती है तब इसका इससे मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़कर 3, तो यही होगा 2 प्लस 1 2 और 1 3. therefore 2x स्क्वायर 2 प्लस 1 x प्लस 1 इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा 2x प्लस 1x प्लस 1 यहाँ से क्या कॉमन मिला भाई 2x x प्लस 1 यहाँ से केवल 1 मिलेगा x प्लस 1 एक कोष्टक में x प्लस 1 दूसरे में 2x प्लस 1 ऐसे ही हम पूरे बहुपदों के गुणनखंड को कहीं से भी आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह ये वाला टॉपिक पूरा सॉल्व करेंगे. नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया तो मैं कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छी तरह कोशिश करूंगा समझाने की. वैसे ये अवश्य समझ आएगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून.